पहले तो ऐसे होता था कि ऑयल पेंट्स लगाते थे, क्या क्या लगाते थे, नेक्स्ट डे स्कूल होती थी और वो रंग जाते ही नहीं थे। मैंने कोई ऐसे आइडिया ये नहीं किया था, बट मैं सुबह उठा, मैंने बोला कुछ तो कलरफुल पहनना चाहिए, तो मैंने कबर्ड खोल के जो मुझे कलरफुल दिखा मैंने पहना। होली के दिन कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड होती हूँ, बिकॉज होली मेरा फेवरेट के लिए क्या बोलना। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा यार, होली है, खुशियों का त्यौहार होता है, रंगों का त्यौहार होता है, तो एक बुराई पे जीत होती है, तो हम उसी की वजह से हम सेलिब्रेट करते हैं, तो ऑफकोर्स अच्छा लगता है। एंड लकीली कल मेरे मॉम का बर्थडे था होली के दिन, तो हमने मॉम का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था। एंड मॉम ने हमारे जैसे मराठी में होता है एक स्पेशल डिश होती है पुरणपोळी, तो होली ले होली पूर्णा की पोली, तो वो हम लोग खाते हैं। एंड मॉम का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया, तो आज धुलीबंधन है, तो यहाँ पे आए क्योंकि कभी ना कभी तो हमें ऑफ मिलता है ना, तो यूजुअली हमें ऑफ मिलता है नहीं, बहुत रेयरली ऑफ मिलता है शूटिंग से, तो यहाँ पे आए हैं थोड़ा सेलिब्रेट करने के लिए। तो आदित्य, आपके फेस पर ब्लू कलर दिख रहा है, क्या ये आपका फेवरेट कलर समझ सकते हैं? मेरा फेवरेट कलर एक्चुअली, अभी ऐसा बोलना नहीं चाहिए वरना लोग लगा देंगे, एक्चुअली मेरा फेवरेट कलर ब्लैक है। मुंह ना काला करो, लेकिन है मेरा फेवरेट कलर ब्लैक, लेकिन आज के दिन में मैंने व्हाइट पहना है, बट ये सिर्फ ब्लैक ड्रेस के लिए अच्छा लगता है, काला करना नहीं है मुंह। बट या ब्लू अभी आजकल इको फ्रेंडली हम लोग सब लोग हो गए। एंड हालांकि मैं होली इस फेस्टिवल से हमेशा डरता था बचपन में, क्योंकि रंग लगाते थे तो यार वो रंग निकलते नहीं थे, तो अभी कैसे हो गया, सब इको फ्रेंडली कलर्स आ गए, तो अभी ठीक है यार, बट नहीं तो पहले तो ऐसा होता था कि ऑयल पेंट्स लगाते थे, क्या क्या लगाते थे, नेक्स्ट डे स्कूल होती थी और वो रंग जाते ही नहीं थे, तो मैं रोता था कि हो गया स्किन एलर्जी हो जाती है, ऐसा कुछ बहुत सेंसिटिव स्किन है मेरी, तो अभी जैसे चीज़ें अभी बदल गई है, तो आई एम हैप्पी विद दैट। तो किस तरह की होली आपको पसंद है, ड्राई होली या फिर पूरा एकदम भीग कर होली खेलना? नहीं, भीग कर यार, होली होनी चाहिए तो भीग कर होनी चाहिए, तो यार तो वो मज़ा होता है यार, मतलब आप पूरे ट्रेंच्ड हो कम्प्लीटली, मतलब गीले हो। मुझे यार पिछले साल हम लोग जिद्दी दिल माने ना में हम लोग सब लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, सारे के सारे एक्टर्स नाच रहे थे बलम पिचकारी पे, एंड आज मुझे वही सारे दिन याद आने लग गए थे, तो आज मैंने वो पोस्ट भी किया था, सारे फैंस वो DM भी कर रहे हैं, तो या मैन मिस कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें भी। एंड ऑफकोर्स हर किसी को मतलब, लेकिन नो ड्राई होली किसी को पसंद नहीं आई थी यार, वो कलर तो सिर्फ ऊपर उड़ता रहता है, आपके ऊपर गिरेगा, बट जो मज़ा वो भीगने में है उससे ज़्यादा और मज़ा कुछ है नहीं। मैसेज टू योर फैन, बस यार एंजॉय योर होली एंड हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू ऑल, बस देखिए कि आप अपने हेल्थ को और सब चीज़ों को ना ध्यान में मद्देनजर रखिए, रंगों के साथ रखोगे तो अच्छे इको फ्रेंडली कलर्स ही यूज़ करो, नहीं तो वरना वो रंग में भंग हो जाएगा। एंड भांग संभाल के पियो, क्योंकि उससे बहुत चक्कर आ जाती है, कल ऑफिस भी जाना है सबको, इसलिए हैप्पी होली। काफ़ी एक्साइटेड नज़र आ रहे होली के लिए, क्या कुछ कहना चाहोगे? वेल, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और बहुत वक्त के बाद यू नो होली सेलिब्रेट कर रहे हैं ड्यू टू कोविड एंड ऑल, तो सारे फ्रेंड्स मिलेंगे। हाय कैम जो एकदम बदला, सो सारे लोग मिल रहे हैं बहुत वक्त के बाद, तो ढेर सारे मज़े होंगे, बहुत ज़्यादा यू नो कलर्स एक दूसरे को लगाएंगे और बहुत मस्ती होने वाली है। बालों पे आपके काफ़ी मिक्स कलर्स नज़र आ रहे हैं, बट इसमें से आपका फेवरेट कलर कौन सा है? मेरा फेवरेट कलर इज येलो, रेड, ये दोनों मेरे फेवरेट्स हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा यू नो विविडनेस आती है ये कलर से और बहुत अच्छा लगता है मुझे ये कलर्स। लुक भी आपका काफी कलरफुल नजर आ रहा है, तो ये आइडिया कहाँ से आया आपको होली पे? एक्चुअली मैंने कोई ऐसे आइडिया ये नहीं किया था, बट मैं सुबह उठा, मैंने बोला कुछ तो कलरफुल पहनना चाहिए, तो मैंने कबर्ड खोल के जो मुझे कलरफुल दिखा मैंने पहन लिया। किस तरह की होली आपको पसंद है, भीग कर खेलना या फिर ऐसे ड्राई होली? ड्राई होली ज्यादा पसंद है, क्योंकि भीग कर उन्होंने काफी चीजें आप नहीं कर सकते हो, जैसे की वापस जब घर जाते हो तो पूरा चिपचिपा हो चुका होता है कलर्स के साथ, तो ड्राई होली मुझे ज्यादा पसंद है। इसी के साथ ही लास्टली फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, होली किस तरह खेलना चाहिए? वेल गाइस, हैव एन अमेजिंग वंडरफुल होली, बट ध्यान रखिएगा कि आप खुद को परेशान करें ठीक है, दूसरों को परेशान मत कीजिएगा, सो हैप्पी होली वंस अगेन। थैंक यू, तो काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हो होली के लिए, क्या कुछ करने वाले? मैं होली के दिन कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड होती हूँ, बिकॉज होली मेरा फेवरेट फेस्टिवल है, एंड मैं सुबह से ही डांस करना शुरू कर देती हूँ, और आज तो मैं व्हाइट साड़ी पहन कर आई हूँ, आज तो खूब कलर्स डालने वाली हूँ। जैसे कि आपने कहा व्हाइट साड़ी पहने हो, काफी खूबसूरत लग रहे हो, सो आज यही साड़ी ही क्यों पहनना था आपको? थैंक यू सो मच, बट मैं प्रिफर करती हूँ कि मैं फेस्टिवल्स के डेज पर अपना हिंदुस्तानी अटायर ट्राई करूँ, पहले नहीं करती थी, अब जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं हमें ना हमारे कल्चर की वैल्यू समझ में आ रही है, तो यस दैट्स व्हाई आई एम वेयरिंग अ साड़ी। आपका
फेवरेट कलर क्या है और कैसी होली खेलना पसंद करते हो, वेट या ड्राई? मेरा फेवरेट कलर है व्हाइट और मैं आज व्हाइट पहन कर रही हूँ ताकि उसको कलरफुल कर दो आप लोग। एंड मैं ड्राई होली प्रिफर करती हूँ, ऑर्गेनिक कलर्स या खुद से कलर्स बनाती हूँ उसके साथ। सो या दैट्स हाउ आई लाइक सेलिब्रेटिंग। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी होली। आप लोग सब खूब अच्छे से मनाइए, खुश रहिए। आज का दिन अवेकन होने के लिए, तो अवेक हो जाइए एंड बी सेफ।